तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए संजू सैमसन को टीम में नहीं रखा गया है। इसी चीज़ को लेके संजू सैमसन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने फायदे के लिए ऋषभ पंत और राहुल को डंप करूं। जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वो देश के लिए खेलेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पर्सनल फायदे के लिए देश का नुकसान करूँ। और अब देखिए संजू ने उस इंटरव्यू में ऋषभ और राहुल के लिए क्या कहा। बट द सेम टाइम हमें आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें होती है कि संजू तू किसे रिप्लेस करेगा, तू ऋषभ पंत को रिप्लेस करेगा कि क्यों केएल राहुल को रिप्लेस करेगा। मगर वैसे हुआ नहीं, मगर मैं मानता हूँ कि बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं 5 साल बाद मैंने कमबैक किया, इंडियन टीम में आया। तो इंडियन टीम 5 साल पहले भी वन ऑफ दी वर्ल्ड मोस्ट बेस्ट क्रिकेट टीम थी, अभी भी नंबर वन टीम है। तो उस नंबर वन टीम में 15 में जगह पाना, 11 में जगह पाना, तो उतना उतना क्वालिटी है हमारी टीम में। तो एक तो वो बात है, बट द सेम टाइम यू ऑल्सो थिंक अबाउट योर सेल्फ एट द सेम टाइम कि कहाँ भाई कब आगे कब मौका मिलेगा या कितना मौका मिलेगा। बट उसको ये जैसे आपने बोला, वो राइट फ्रेम ऑफ द माइंड में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द सेम टाइम हमें आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें होती है कि संजू तू किसे रिप्लेस करेगा, तू ऋषभ पंत को रिप्लेस करेगा कि क्यों केएल राहुल को रिप्लेस करेगा। मगर मुझे इस बातों में जैसे अपना थिंकिंग बहुत क्लियर रहना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई केएल राहुल हो गया, ऋषभ पंत भी हो गया, वो तो अपने टीम के लिए खेल रहा है। तो इफ आई थिंक अबाउट कम्पीटिंग विद माई ओन टीम मेट्स, सो आई एम लेटिंग माई ओन कंट्री डाउन, आई एम लेटिंग ऑन माई ओन इंडियन टीम डाउन। सो मैं आई ऑलवेज लाइक टू थिंक इट इन अ पॉजिटिव वे। भाई जब तेरा चांस मिलेगा यू जस्ट गो आउट एंड